तो भाई लोग न्यू एपिसोड आ गया है और वीडियो के लास्ट में मैंने बहुत ही ज्यादा बकवास मारा है उसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो पूरा देखना। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस्ट्री आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर वीर मन में सोच रहा होता है ह्यूमनॉइड एलियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इसलिए वो मिस्ट्री आइलैंड पे पाए जाते हैं। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि इस एलियन के साथ में अगर मैं अभी फाइट करता हूं तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेवकूफी वाली बात होगी क्योंकि यहां पर ग्रैंड मास्टर और तानिया और थम है जो मेरे लिए थोड़ी बहुत मुश्किल खड़ी कर सकते हैं इसलिए मेरे को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो आसमान में उड़ रहे होते हैं जिसके बाद तानिया ग्रैंड मास्टर से बोलती है कि ब्रदर आगे मत जाओ, वहां पर देखो एक सीक्रेट ब्लड ह्यूमनॉइड एलियन है। इसके बाद थम बोलता है कि मिस्ट्री आइलैंड पे एक ही सीक्रेट ब्लड एलियन होता है इसलिए यहाँ पर और क्या गलत हो सकता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर गुस्से में बोलता है कि मुझे यकीन है कि हम तीनों मिलकर भी उस सीक्रेट ब्लड एलियन को नहीं हरा पाएंगे। इसके बाद ग्रैंड मास्टर उड़ता हुआ वहां से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि डॉलर मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो इसलिए बाहर आ जाओ और मिलकर बात करते हैं। इसके बाद ग्रैंड मास्टर नीचे जमीन पे आ जाता है और डॉलर से बोलता है कि डॉलर अगर तुम बाहर नहीं आते तो हम ऐसे ही अपना टाइम खराब करते रहेंगे। इसके बाद डॉलर चिल्ला के बोलता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलता है कि हम मिलकर उस सीक्रेट ब्लड एलियन को किल करते हैं और बदले में मैं तुमको 50 मिलियन दूंगा लेकिन डेविल सोल मैं लूंगा। इसके बाद डॉलर बोलता है कि मुझे तो डेविल सोल ही चाहिए वरना मैं बात नहीं करना चाहता। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलता है कि तेरी तो साले सामने तो आ। इसके बाद तानिया बोलते है कि तुम बहुत ही ज्यादा मांग रहे हो, हम बदले में तुमको 100 मिलियन भी दे सकते हैं, इसके बारे में क्या कहते हो। इसके बाद डॉलर बोलता है कि एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल की कीमत तो तुम्हें पता ही होगी इसलिए मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद तानिया अपने बो से बहुत सारे एरो फायर करते हुए बोलती है कि छुपने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मुझे पता चल चुका कि तुम कहां पर छुपे हुए हो, अगर तुम्हें अभी कोई चोट लगे तो हमें दोष मत देना क्योंकि तुम थोड़े से घमंडी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि तानिया के वो सारे एरो जाकर पानी में लगते हैं जिसके बाद उस पानी में से डॉलर बाहर निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर और थम डॉलर के पीछे जा रहे होते हैं जिसके बाद डॉलर ग्रैंड मास्टर से बोलता है कि तुम मुझे सीक्रेट ब्लड डेविल सोल लेने दो वरना तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलता है कि मुझे इस चीज का बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है क्योंकि मैंने अभी तक तुमको नहीं मारा, अब मैं तुमको मारकर 1000 से भी ज्यादा टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद डॉलर हंसते हुए बोलता है कि फिर तो तुम अफसोस ही करते रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉलर उड़ता हुआ उस सीक्रेट ब्लड एलियन के पास में चला जाता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलता है कि क्या ये कमीना मरना चाहता है। जिसके बाद थम बोलता है कि इसे क्या लगता है अगर ये सीक्रेट ब्लड एलियन के पास में चला जाएगा तो हम इसका पीछा नहीं करेंगे, ये बेवकूफ है। जिसके बाद तानिया बोलते है कि रुको मुझे कुछ गलत लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉलर बहुत ही तेज रफ्तार से उस एलियन की तरफ जाने लगता है जिसके बाद वो एलियन उसको देख लेता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। जिसके बाद वो एलियन अपनी तलवार उठा लेता है। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में अपने पंखों से आसमान में उड़ने लगती है। और भाई तुम लोग बोलोगे भाई तुम्हें कैसे पता चला कि ये फीमेल है, पहली बात भाई मैंने इसका नॉवल पढ़ रखा है, दूसरी बात इसके विचार देखो बड़े बड़े। इसके बाद डॉलर उड़ता हुआ वो सीक्रेट ब्लड एलियन उनके पास में लेकर आ जाता है जिसके बाद वो तीनों गुस्से में बोलते है कि डॉलर बहुत ही ज्यादा कमीना है, वो इस एलियन को हमारे पास में ले आया, जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से भागना होगा। इसके बाद तानिया बोलते कि अब बहुत ही ज्यादा देर हो गई है क्योंकि उस एलियन की उड़ने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, डॉलर उससे नहीं बच पाएगा और हम भी नहीं बचेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एलियन बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ते हुए डॉलर के ऊपर आ जाता है और डॉलर के ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद डॉलर बोलता है कि ये एलियन तो बहुत ही ज्यादा तेज है। जिसके बाद उसके हाथ में जो वेपन होता है उसी से उस एलियन पे अटैक करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर का वेपन है वो दो टुकड़ों में कट जाता है और वीर इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि ये एक म्यूटेड डेविल सोल है, फिर भी इसे दो टुकड़ों में काटती है वो भी इतनी आसानी से। इसके बाद वो एलियन डॉलर के ऊपर अटैक करके उसको पीछे कर देती है। जिसके बाद डॉलर मन में सोचता है कि अब मैं और ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता वरना मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। इसके बाद वो अपने हाथ में एक स्वॉर्ड बुलाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एलियन डॉलर के ऊपर अटैक कर देती है और डॉलर उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है अपनी तलवार से, लेकिन हम देखते हैं कि डॉलर की स्वॉर्ड बीच में से टूट जाती है। इसके बाद डॉलर बहुत ही तेज रफ्तार से वहां से भाग जाता है और वो बोलता है कि शुक्र है मैं तो बच गया। और भाई तुम लोग बोलोगे यार डॉलर कैसे भाग सकता है, वो तो भैया सुपरमैन है हमारा। तो भाई ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि इसके पास लड़ने के लिए कोई वेपन ही नहीं है इसलिए भाग रहा है, और जो है वो वीर के पास है और ये अभी डॉलर बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीक्रेट ब्लड एलियन अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करता है और वो स्लैश अटैक सीधा थम की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थम अपनी शील्ड
शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थम इस अटैक के इफेक्ट से पीछे जाकर गिरता है, जिसके बाद तानिया और ग्रैंड मास्टर थम को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचाई इस अटैक को ब्लॉक करके। इसके बाद थम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एक बियर की डेविल सोल बाहर निकाल लेता है और डॉलर से बोलता है कि अगर तुम गुस्सा छोड़कर हमारे साथ मिल जाओ तो अभी भी हम इस एलियन को किल कर सकते हैं, वरना यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। इसके बाद डॉलर जमीन पे जाता हुआ बोलता है कि हम उसका आसमान में सामना नहीं कर सकते, इसलिए सभी लोग नीचे आ जाओ। इसके बाद हम उस एलियन के अटैक को ब्लॉक करते हुए ग्रैंड मास्टर और तानिया से बोलता है कि जल्दी से जमीन पे चले जाओ, मैं ज्यादा टाइम तक इसे होल्ड नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि तानिया और ग्रैंड मास्टर नीचे जमीन की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है कि डॉलर तुम बस थोड़ा सा वेट करो, इस सीक्रेट ब्लड एलियन को मारने के बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इसके बाद भाई मैं देख रहा हूँ अभी भी ये एपिसोड 6 मिनट का नहीं हुआ है, इसलिए मैं फालतू की बकवास करने के बाद इस एपिसोड को जल्दी से 6 मिनट का कर देता हूँ। तो भाई अभी 6 मिनट का हो गया है, तो बाय बाय, वीडियो को लाइक करना।